अब हम सीखेंगे रेडियो बटन कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस के बाद हम एक ब्रेक देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट, हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट। तो इसके नीचे हम रेडियो बटन्स डालेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल रेडियो, कोट्स में डबल कोट्स में आर ए डी आई ओ रेडियो, नेम इज इक्वल आर ए डी, आर ए डी मीन्स रेडियो बटन। और यहाँ पे हमें सभी रेडियो बटन्स का नाम सेम रखना होगा, तो आर ए डी रेडियो रेट, आर ए डी रेट, और वैल्यू वैल्यू डिफरेंट रहेंगे, वैल्यू इज कॉल्ड स्पर, एस यू पी ई आर बी, और आगे लिखेंगे स्पर लिखेंगे। इसके बाद एक और रेडियो बटन, तो ये जो दूसरा रेडियो बटन है इसका नाम भी यही रहेगा, रेडियो बटन्स के टाइम पे नाम सेम रखना होता है तभी इनका ग्रुप बन जाता है। तो स्पोक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वेरी गुड, वेरी गुड, उसके बाद है गुड, और फाइनली एवरेज। इसको सेव कर लो और फिर रिफ्रेश कर लो यहाँ पे। तो हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट, स्पर्ब भी है, वेरी गुड भी है, गुड भी और एवरेज भी, तो इनमें से एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत से चॉइसेस में एक सिलेक्ट करनी हो, जैसे हम एमसीक्यूज़ करते हैं, एमसीक्यूज़ में अगर चार ऑप्शंस हो तो हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों नहीं कर सकते। सपोज़ अगर मैं स्पर्ब क्लिक करता हूँ तो स्पर्ब जो है सिलेक्टेड है, अगर मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो ये डिसलेक्ट हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये डिसलेक्ट हो जाता है, यानी इन चारों में से सिर्फ मैं एक कर सकता हूँ, तो इनको कहते हैं रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सी चॉइसेस या बहुत से ऑप्शंस में एक सिलेक्ट करना हो। यहाँ ये स्पर्ब यहाँ से नीचे आना चाहिए तो हम ब्रेक देंगे, यहाँ पे अगर हम ब्रेक देंगे तो अब ये रेडियो बटन्स जो है नीचे वाली लाइन में आएंगे। और इसके लिए हमने लिखा इनपुट टाइप इज कॉल्ड रेडियो, तो चेकबॉक्स के लिए इनपुट टाइप इज कॉल्ड चेकबॉक्स, रेडियो बटन के लिए इनपुट टाइप इज कॉल्ड रेडियो, नेम इज कॉल्ड आर ए डी मीनस रेडियो, आर ए टी ई रेट, क्योंकि यहाँ हम अपने वेबसाइट की रेट कलेक्ट कर रहे हैं विजिटर्स से, तो आर ए डी रेट, आर ए डी रेट चारों में लिखना है। ये सेम नेम रखने से ही जब हम एक सेलेक्ट करते हैं दूसरा डिसलेक्ट हो जाता है, अगर हम डिफरेंट नेम्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अगर हम दो चेकबॉक्स दो रेडियो बटन्स को सिलेक्ट करेंगे, दोनों वो उन पर क्लिक करेंगे दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सेम नाम रखने से ही जब एक सुपर्ब सिलेक्ट होता है तो ये तीन डिसलेक्ट हो जाएंगे, अगर वेरी गुड सिलेक्ट होता है तो ये तीन सुपर्ब गुड और एवरेज डिसलेक्ट हो जाएंगे। और फिर वैल्यू, हाँ यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है क्योंकि यूज़र ने क्या रेट दिया है वेबसाइट को वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी अगर वहाँ पे रेडियो बटन वेरी गुड वाला रेडियो बटन सिलेक्टेड है तो वैल्यू जो है वो वेरी गुड होगा वैल्यू, और अगर गुड पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ वैल्यू शुड बी गुड। तो वैल्यूज़ डिफरेंट होने चाहिए रेडियो बटन्स में लेकिन नाम से, और यहाँ पे एवरेज। तो फिर से हम यहाँ देखते हैं रिफ्रेश करके, तो अब ये रेडियो बटन्स नीचे आ गए और आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो, स्पर्ब करोगे तो वेरी गुड डिसलेक्ट हो जाएगा, तो जिस एक पे आप क्लिक करोगे बाकी तीन जो है डिसलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से कोई सिलेक्टेड हो तो आप उसको चेक लिख सकते हो जैसे आपने चेक बॉक्स को लिखा था। तो अगर मैं यहाँ
चेक्ड लिख दूं आगे। अब अगर फॉर्म हम देखेंगे सुपर्ब जो है पहले से ही चेक्ड है, इस पे क्लिक किया तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो चेक बॉक्स हम तब यूज़ करते हैं जब जैसे अगर कोई क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, वो तीनों को टिक कर सकता है। रेडियो बटन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सी चॉइसेस में सिर्फ एक को चुनना हो, एक से ज़्यादा नहीं चुन सकते। अगर आपकी वेबसाइट सुपर्ब है फिर गुड और वेरी गुड, गुड और एवरेज नहीं हो सकती। अगर एवरेज है फिर ये वेरी गुड या सुपर्ब नहीं हो सकती। सो जहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस में एक ही चुनना हो वहाँ पे रेडियो बटन यूज़ होता है। जहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस को एक साथ चुना जा सकता है वहाँ पे हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ कोई तीनों स्पोर्ट्स खेलता है तो चेक बॉक्स यूज़ हो, इनमें से सिर्फ एक हो सकता है। तो ये था रेडियो बटन हम कैसे यूज़ करते हैं। और जब आप स्पर्ब पे क्लिक करोगे तो वैल्यू जो है, जो हमने यहाँ वैल्यू दिया, वैल्यू में स्पर्ब हो, वैल्यू RAD रेट वेरिएबल में स्पर्ब वैल्यू आएगा। अगर आपने वेरी गुड पे क्लिक किया तो उसी RAD रेट सेम वेरिएबल में वेरी गुड वैल्यू होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन योर रेडियो बटन वेरिएबल। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग ए मेन्यू, मेन्यू कैसे बनाते हैं हम इसमें HTML में। तो यहाँ हम कमेंट के आगे ही यहाँ पे लिखेंगे br, उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट मेन्यू बनाने के लिए हम सिलेक्ट लिखते हैं इसका नेम। तो इस मेन्यू को कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं, इसलिए मैं इसका नाम जो है रखूँगा CMB विच मीन्स कॉम्बो बॉक्स। एंड इसके थ्रू मैं सिटी जो है यूज़र की सिटी देखूंगा, यूज़र कौन सी सिटी में रहता है, CMB सिटी। और ये जो है ये मैं यूज़ करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी सिटी है, आप ऊपर देख सकते हो सिटी मैंने कहीं पे ली थी, लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ली थी। तो यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स की जगह जो है सिलेक्ट लूँगा। तो यहाँ ये ब्रेक हटाई दूंगा, सिटी नेम इज कॉल्ड CMB सिटी, CMB फॉर कॉम्बो, और सिटी इसलिए क्योंकि इसमें जो है सिटीज हम स्टोर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन उसका वैल्यू, वैल्यू इज कॉल्ड आपके जो जितने भी शहर हैं उनके नाम। तो सबसे पहले हम लेंगे आपकी बुक पे यही एग्जांपल है, अदरवाइज आप अपने एरिया की सिटीज़ भी लिख सकते हो जहाँ पे आप रहते हो, तो लेकिन बुक पे यही लिखा है तो हम मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, अमृतसर। एक ऑप्शन मैंने लिखा अमृतसर, और यहाँ आगे पहला ऑप्शन, इसके बाद दूसरा ऑप्शन, जितने भी शहर होंगे अकॉर्डिंगली उतनी ऑप्शंस आएंगे। तो दूसरा मैं लिखूंगा करनाल, यहाँ पर भी, इसी तरह नोएडा, इसी तरह एक और शहर आप लिख सकते हो, उसके बाद सिलेक्ट यहाँ क्लोज करेंगे। सिलेक्ट क्लोज करने के बाद आप इसको सेव करो और आप यहाँ पे अपने फॉर्म को रिफ्रेश करो। तो यहाँ जो सिटी है उसके आगे आपने मेन्यू बना दिया जिसको हम कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। तो इसमें एक शहर, कोई एक शहर आप चुन सकते हो, तो जो आपने शहर वहाँ से दिया अमृतसर, करनाल, नोएडा, गाजियाबाद, वो इसमें आ गए। तो आप ऐसे इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। तो कॉम्बो बॉक्स हम तब यूज़ करते हैं जब